और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे अब दिल्ली के, जहां पर साकेत कोच में वकील की ड्रेस में आए व्यक्ति ने एक महिला पर फायरिंग कर दी। बताया जा रहा है कि आरोपी ने महिला पर 4 गोलियां चलाई। कुल 5 राउंड फायरिंग की गई थी, जिसमें से 4 राउंड महिला के ऊपर की गई। वहीं एक गोली वकील अजय सिंह चौहान को लगी। फिलहाल वहीं महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है, और ये वीडियो भी इस वक्त आपको दिखा रहे, देखिए महिला के पेट में ये गोली लगी है, जिसके बाद में उसे दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता पीयूष हमारे साथ जुड़ गए। पीयूष, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास इस मामले में? देखिए, अगर हम बात करें तो महिला का फिलहाल कहीं ना कहीं इलाज चल रहा है। इस पूरे मामले में जिस तरीके से राष्ट्रीय राजधानी के संकेत कोर्ट परिसर में गोली चलने के बाद एक महिला घायल हो गई, तो बताया जाता है कि वकील के ड्रेस में ये आरोपी आया हुआ था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में अब जो राज्यपाल दिल्ली के वीके सक्सेना उनके निशाने पर अब दिल्ली के मुख्यमंत्री आ चुके हैं, और सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि दिल्ली में कानून व्यवस्था अगर हम बात करें तो गई है, दूसरों के कामों में अड़चन करने और हर बात पर गंदी राजनीति करने के बजाय सबको अपने अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, ताकि कोई इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अगर नहीं दिल्ली संभलती है तो कहीं ना कहीं इस्तीफा दे देना चाहिए। तो निश्चित रूप से सीधे तौर पर कहा गया है कि लोगों की सुरक्षा राम भरोसे नहीं छोड़ी जा सकती है। जिस तरीके से अगर हम बात करें तो अब इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं राजनीति भी होने लगी है। लगातार दिल्ली के एनजी की बात करें या अब हम बात करें जो विधायक है और आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री है सौरभ भारद्वाज, उन्होंने भी कहीं ना कहीं एलजी के इस पूरे बयान पर कहीं ना कहीं प्रतिक्रिया दी है। तो निश्चित रूप से अभी फिलहाल की बात करें तो महिला का इलाज चल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि करीब 4 राउंड गोलियां चलाई गई है, तो निश्चित रूप से अभी महिला की स्थिति भी कहीं ना कहीं गंभीर बताई जा रही है। लगातार उस महिला का इलाज चल रहा है, और ये भी बताया जा रहा है कि जिस महिला को गोली मारी गई है वो कहीं ना कहीं जिसने गोली मारी है वो उस महिला का पति फिलहाल बताया जा रहा है। तो मामले में पुलिस जांच करेगी और पता लगाने की कोशिश करेगी कि वाकई में वो महिला का पति है या कोई अन्य व्यक्ति है। लेकिन आरोपी को भी गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। पुलिस पूरी इस मामले में कहीं ना कहीं जांच कर रही है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं कानून जी। श्री पीयूष, आप लगातार बने रहिए, आगे भी अपडेट्स आपसे लेंगे।